शाहरुख खान ने उन सभी खबरों को गलत बताया है जिनमें कहा जा रहा है कि उन्होंने रोहित शेट्टी की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग डेट्स बजाय अक्टूबर के सितंबर में करवा ली है। दरअसल ऐसी खबरें आ रही थी कि शाहरुख ने ये शूटिंग इसलिए टाल दी है क्योंकि वो चाहते थे कि 9 अक्टूबर से शुरू हो रही चैंपियंस लीग के दौरान वो अपनी टीम के साथ रह सकें। और जब शाहरुख से इस बारे में पूछा गया तो वो नाराज होने के साथ ही मीडिया को ही इसके लिए जिम्मेवार कहने लगे। I mean, I'll tell you, if you start believing the lies that you won't be saying, it's going to be really bad for you. So you at least should know. It's a normal shooting. Whenever we start shooting, it'll inshallah start. Yeah, but in September we start. We always starting in September sometime. इस दौरान शाहरुख ने ये भी बताया कि स्वतंत्रता दिवस उनके लिए कितना खास दिन है और आजकल के बच्चों के लिए फ्रीडम का क्या मतलब है। I think it means everything for us. I think it's a very proud moment for the country. As I always say, my father fought for the freedom of this country, so I take it even more personally, and we should be very, very proud that we've had this opportunity and did it on our own. And I think freedom to think, freedom to live, freedom to believe, freedom to dream, I think these are the freedoms that the youth will want. शाहरुख अगले 10 दिनों में यशराज फिल्म्स की अनटाइटल फिल्म का बचा हुआ सारा काम निपटा लेंगे। वहीं हाल ही में उनके को प्रोडक्शन में बनी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर का फर्स्ट लुक भी लॉन्च हुआ है।